सीमंत, बुंदेलखंड से सैनिक आया है राजा छत्रसाल का संदेश लेकर। वो आपसे मिलना चाहता है। राजा जी अपनी लड़की रिश्ते में देना चाहते हैं। लिखा है मोहम्मद बंगस की फौज ने उनके किले को घेर के रखा है और वो हमारी सहायता चाहते हैं। तुको जी, हम अपनी लड़ाई लड़े या उनकी मदद करें, हमें सिरोंजा पहुंचना है। उन्हें वापस भेज दो। पर वो सैनिक श्रीमंत से मिलने की जिद कर रहा है। तुको जी, निगाह जी, पंत इस घाटी से जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। रुको, तुम पेशवा से नहीं मिल सकते। रुको। के साथ वापस भेज दीजिए। बुंदेलखंड खतरे में है। हजारों बहु बेटियां जौहर की आंखें सामने खड़ी हैं। हम आपकी मदद चाहते हैं। जब बुंदेलखंड के पास ऐसी तलवार हो तो हमारी मदद की क्या जरूरत है? मुमकिन नहीं होगा भाई, आप जाइए। इस गुस्ताखी के लिए तुम अपनी जान गंवा सकती हो। परवाह नहीं, बुंदेलखंड से निकलते वक्त कसम खाई थी कि आएंगे तो पेशवा बाजीराव को लेकर आएंगे, वरना नहीं। खुदा समझकर हाथ फैलाया पर आप तो इंसान भी ना निकले। नाम क्या है तुम्हारा? मस्तानी। हमें आपकी सोच, आपकी हिम्मत और आपकी मदद मांगने का अंदाज पसंद आया। अड़ा उठाओ पंत, बुंदेलखंड जाना है। श्रीमंत छत्रपति को क्या जवाब देंगे? छत्रपति को जानकर खुशी होगी, एक हिंदू राज्य दूसरे हिंदू राज्य की मदद करने जा रहा है। ऐसे बुंदेलखंड का रास्ता कितनी दूर है? 5 दिन। हम उसे 2 दिन में तय करेंगे। नामुमकिन। ऐसा दुश्मन को सोचने दो। बाजीराव की रफ्तार ही बाजीराव की पहचान है मस्तानी भाई। चला।